नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सुमित्रा कुमारी सिन्हा पर। आप सब अवगत हैं, हमारी विशेष सीरीज हमने आप सभी के लिए शुरू की हुई है, जहां हम महिला कथाकारों के योगदान के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और आज भी हम ऐसी ही एक महिला कथाकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है सुमित्रा कुमारी सिन्हा। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा। डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इन महिला कथाकार के बारे में। तो डॉक्टर ढिंगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे अब तक विकासकालीन जो महिला लेखिकाएँ हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें उस समाज के बारे में, उस समय जो नारी की स्थिति थी उसके बारे में किस तरह से अवगत कराया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग विकासकालीन महिला रचनाकारों में जो प्रमुख रचनाकार हैं उनमें श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बारे में बात करेंगे, जिनकी लगभग 23 कहानियाँ हमें मिलती हैं। फैज़ाबाद में 1913 में विजयदशमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ श्रीमती सूर्यमुखी देवी और पिता महेश चरण सिन्हा जो एक वैज्ञानिक थे, समाजसेवी थे और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपना खुलकर योगदान दिया था। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाली सुमित्रा कुमारी सिन्हा को समाज सेवा या आंदोलनों में भाग लेना या नारी की स्थिति के बारे में जानना एक तरह से संस्कार के रूप में मिला था। हम देखें तो इनकी रचनाओं में इन्होंने स्त्री स्वातंत्र की बात की है कि किस प्रकार से प्राचीन काल से अब तक नारी विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों से, मान्यताओं से, परंपराओं से अपने आप को ग्रसित मानती आई है और वह चाहती है कि वो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ सके और किस तरह से उसकी छटपटाहट को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया, इसके बारे में हम विस्तृत विवेचना करेंगे। अल्प आयु में ही, लगभग 17 वर्ष की आयु में 1930 में इनका विवाह चौधरी राजेंद्र शंकर से हुआ था, जो उस समय 7-8 गांव के जमींदार थे। इन्हें अपने पति का योगदान, प्रोत्साहन समय समय पर मिलता रहा और इसी कारण वो अपने समय की एक प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। अपने ऊपर जिन रचनाकारों का उन्हें प्रभाव अधिक दिखाई दिया उनमें उन्होंने प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। उनकी उक्ति है, राष्ट्रीयता की प्रेरणा मुझे माखनलाल चतुर्वेदी से मिली और क्रांतिकारी विचार मुझे दिनकर जी से प्राप्त हुए। इन्होंने साहित्य साधना करते समय अपने को हमेशा विभिन्न प्रकार के वादों से, संप्रदायों से मुक्त रखा और शायद इसीलिए ये तटस्थ रूप में उस समय की समस्याओं को हमारे सामने उद्घाटित कर पाने में सफल रही हैं। अजित कुमार ने इनके विषय में कहा है, वास्तव में सुमित्रा जी की रचनाएं छायावाद और यथार्थवाद के बीच मौजूद वह अनिवार्य सेतु हैं जिससे गुजरे बिना ना छायावाद को पूरी तरह से जाना जा सकता है और ना ही यथार्थवाद को। साथ ही रचनाएं समूचे आधुनिक हिंदी साहित्य के व्यापक परिवेश को हमारे सामने चित्रित करने में सफल रहे हैं। इन दोनों ही दंपतियों के 3 पुत्र और 1 पत्नी, 1 पुत्री थीं। पुत्रों में अजीत कुमार, अभय शंकर, अमरेंद्र शंकर चौधरी का नाम समादर से लिया जा सकता है और इनकी बेटी कीर्ति चौधरी जो बाद में हिंदी की एक प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में हमारे सामने आती हैं, उन्होंने भी अपने समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों के साथ साझा किया था। अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ सुमित्रा जी ने कवित्री के रूप में किया था।
1944 में बेहाग नामक जो इनका कविता संग्रह है उस पर इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें एक पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें बुलाया गया और वहाँ पर इन्हें एक सम्मानित जो उस समय का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार था उससे इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने रूपक, रेडियो वार्ताओं और बाल उपयोगी साहित्य में भी सफलतापूर्वक साहित्य का सृजन किया है। इनके सीरियलों में भानुमती भौजी का पिटारा विशेष रूप से लोकप्रिय था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन समस्याओं को और विशेष रूप से स्त्रियों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका उन्होंने विस्तृत विवेचन और विश्लेषण किया था। ग्रामीण स्त्रियों की समस्याएं, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषयों को इन्होंने अपने इस सीरियल के माध्यम से उठाया था। उस समय ये एक परंपरा थी कि प्रस्तोता अपना वास्तविक नाम अपने श्रोताओं से छुपा कर रखता था और छद्म रूप से अपने नाम के माध्यम से, छद्म नाम के माध्यम से वो अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करता था। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इन्होंने बताशा बुआ नाम से रेडियो कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया था। इनके 3 काव्य संग्रह हमें अब तक प्राप्त होते हैं, विहाग, आशा पर्व और बोलो के देवता। अपनी कहानियों की तरह ही इन कविताओं में भी इन्होंने स्त्री विमर्श, जिसे हम आज स्त्री विमर्श कहते हैं, स्त्री की समस्याओं से जो विषय उठाए गए या स्त्री के जीवन में कौन कौन से पक्ष हैं, किन किन अपने जीवन में वो किन किन समस्याओं से निरंतर जूझती रहती है, उसकी क्या आशाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, वो कौन से आकाश में उन्मुक्त होकर विचरण करना चाहती है, इस प्रकार की सभी बातों को उन्होंने अपनी कविताओं में और अपनी कहानियों में चित्रित किया है। उन्होंने निरंतर उस स्त्री को अपने साहित्य में चित्रित करने का प्रयास किया है जो अपने व्यक्तित्व की पहचान को निरंतर ढूंढती रहती है। उनकी एक कविता की पंक्तियां हैं, प्यार का पाकर निमंत्रण मैं गई कितना प्रवंचन, समझकर वरदान मैंने शाप ही अब तक जिया है। लगभग आज से 80 वर्ष पहले जिस समय सुमित्रा जी लिख रही थी उस समय की नारी की स्थिति में और आज की नारी की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। उस समय की नारी भी समाज, परिवार और यहाँ तक अपने आप से जूझ रही थी, लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी और आज भी शायद जो आधुनिक नारी है, जो पढ़ी लिखी है, वो भी अपने अस्तित्व को पहचान रही है, खोज रही है और निरंतर उसके लिए संघर्ष करती हमें दिखाई देती है। सुमित्रा जी में हमें सुधार भावना की भावना बहुत प्रबल रूप से दिखाई देती है। उन्होंने समाज की जो विभिन्न समस्याएं थीं उनका न केवल चित्रण किया अपितु उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कतिपय सुझाव भी दिए, कुछ समाधान भी दिए, जिनके माध्यम से उन्होंने चाहा कि समाज निरंतर विकास की ओर उन्मुख हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक महिला संगठनों और क्लबों की स्थापना की और वहाँ पर उन्होंने विविध विषयों पर जो लगभग नारी से ज़्यादा संबंधित थे उन पर विचार विमर्श किया। वो 1955 में महिलाश्रम लखनऊ केंद्र की प्रभारी बनी जो निष्कासित और भटकी हुई नारियों के लिए कार्य करता था। सुमित्रा जी में अद्भुत नेतृत्व की क्षमता हमें दिखाई देती है। वो जहाँ कहीं भी गई उन्होंने आगे बढ़कर अपने विचारों को रखा, समाज की समस्याओं को रखा और उन्हें चित्रित करके उनका समाधान कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनमें एक जुझारू प्रवृत्ति हमें मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है और उसके साथ साथ वो निरंतर दूसरों की मदद करने के लिए हमें आगे आती हुई नज़र आती हैं। एक उदाहरण है कि उन्होंने एक बार एक स्त्री रामकली तिवारी जो उन्हें एक ट्रेन में मिली थी और अपनी व्यथा कथा उन्होंने सुमित्रा जी को सुनाई कि किस प्रकार से वो दुखी हैं
और उनके पास पैसा नहीं है, वो जीवन कैसे अपना गुजारें, तो सुमित्रा जी ने उन पर दया करके या द्रवित होकर वो उन्हें अपने घर ले आती हैं, उन्हें ठाकुर द्वारे की पूजा या झाड़पोछ के लिए रख लेती हैं और घर के कामों के लिए रख लेती हैं। निरंतर वो उस स्त्री के साथ संपर्क में रहती हैं, उसको प्रेम देती हैं, आश्वासन देती हैं और ये चाहती हैं कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे और आत्मविश्वास से अपना जीवन यापन करे। वो उनको इतना अधिक विश्वास देती हैं, इतना अधिक उनकी सहायता करती हैं कि बदले में रामकली उनका ही घर हड़प लेती है। तो इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो हैं वो उनकी उदारता का, उनकी स्नेह का, उनकी सदाशयता का एक अलग ही पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और उनको उनके साथ विश्वासघात करने में भी संकोच नहीं करते हैं। यहाँ ये बात भी हम देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार की हमें दुर्बलता भी दिखाई देती है कि जहाँ वो अनजाने व्यक्तियों की मदद करने के लिए आगे आती हैं या अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को, क्योंकि वो खुद रेडियो में कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती थीं, इसलिए जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है और जो गाता है या रेडियो के प्रोग्राम को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है उसको वो आगे बढ़कर काम दिलाती थीं, किंतु साथ ही साथ वो ये भी चाहती थीं कि लोग उनकी प्रशंसा करें या उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनको कम से कम माने तो, और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उन्हें क्रोध भी आ जाता था। दूसरा, उनके व्यक्तित्व में हमें कहीं कहीं अंतर विरोध भी दिखाई देता है। जैसे उन्होंने, अगर हम उनकी डायरियों को पढ़ें तो एक तरफ उनकी डायरियों में हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से उन्हें आर्थिक रूप से वो बहुत अधिक संपन्न नहीं थीं, कभी कभी उन्हें आर्थिक रूप से विपन्नता के भी दर्शन हो जाते थे, उनके पास पैसों की कमी हो जाती थी, किंतु जब कभी भी उनके पास पैसा आता था तो वो निसंकोच भाव से खुले हाथों से उसको खर्च भी कर देती थी। सुमित्रा जी को सफाई बहुत पसंद थी और ये सफाई कालांतर में इतनी अधिक बढ़ गई कि वो एक मनोरोग का रूप ले लेती है और उनके लिए और उनके परिवार के लिए भी वो एक परेशानी का कारण बन जाती है। 1927 और 1928 की कालावधि में अगर हम देखें तो सुमित्रा सिन्हा जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से साहित्य में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। सामंतीय मानसिकता वाले पुरुष प्रधान समाज में नारी पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उन्होंने अपनी कहानियों का वर्ण विषय बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने नारी के पक्ष को समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। इन सभी कहानियों में उन्होंने पूरी तरह से नारी को अपनी संवेदना देने का प्रयास किया है। इनकी 23 कहानियां हैं जो 2 संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। पहली है वर्षगांठ और दूसरी है अचल सुहाग। इन दोनों ही कहानी संग्रहों में उनकी ये कहानियां हम देख सकते हैं। इनकी कहानियों के संदर्भ में निराला जी ने वर्षगांठ नामक जो इनकी कहानी संग्रह है उसकी भूमिका में लिखा है, आधुनिक रचना शैली की ये पहली महिला हैं। रूढ़ियों की पवित्रता की चारदीवारी के बाहर उनकी निगाह गई है। प्रचलित जीवन के चरित्र उनकी रचनाओं में कहीं कहीं बड़ी खूबी से हमें मिलते हैं। वे समय के साथ हैं। स्त्रियों के व्यवहारिक और मानसिक जीवन का उन्होंने पर्दाफाश किया है। अर्थात निराला जी भी ये मानते थे कि सुमित्रा जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन नारी की जो स्थिति थी उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इनकी पहली रचना के विषय में और उसके प्रकाशन काल के विषय में आलोचकों के मध्य एक बहुत बड़ा मतभेद हमें दिखाई देता है। कुछ लोग 1930 में संदेश में प्रकाशित इनकी रचना रूपहीना को इनकी पहली कहानी मानते हैं और इसके संदर्भ में सुमित्रा जी ने भी एक स्थान पर लिखा है कि बचपन में उन्हें चेचक हो गई थी जिसके कारण उनके सौंदर्य में थोड़ी सी रूपहीनता आ गई थी। ये घर की पहली बड़ी बेटी थी और इसलिए उस समय के समाज में जहाँ पर अल्प आयु में ही पुत्रियों का विवाह करना
अभिभावकों की एक विवशता मानी जाती थी, वहाँ पर बड़ी लड़की होने के कारण इन्हें निरंतर इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं इनका विवाह हो पाएगा या नहीं। और इसी सारी के सारी घटना को इन्होंने रूपहीना कहानी के माध्यम से अपने पाठकों के सामने साझा किया है। सुमित्रा जी को अपने पति का पूरा सहयोग प्राप्त था। वो विश्व भर की विभिन्न रचनाओं को अपनी पत्नी के साथ साझा करते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे और उन्हीं प्रेरणा से वे कहानियाँ लिखती रहती थीं। 1939 में चौधरी साहब ने अपने घर पर ही एक प्रकाशन संस्थान को खोला, जिसमें सुमित्रा जी की विहाग, बोलों के देवता, आंचल के फूल, आंगन के फूल, कथा कुंज, फूलों के गहने, दादी का मटका आदि रचनाएं प्रकाशित हुईं और उसके साथ ही निराला और रामविलास शर्मा की पुस्तकें भी इसी संस्थान से प्रकाशित होती रहीं। तत्कालीन समाज में व्याप्त सड़ी गली रूढ़ियों परंपराओं के परिणाम स्वरूप सुमित्रा जी को भी कवि सम्मेलनों में, सभाओं में या और किसी संस्थानों में जहां वो जाना चाहती थीं, वहां उन्हें अपने पति के साथ जाने की विवशता थी। किंतु शुरू से ही सुमित्रा जी विद्रोहिणी स्वभाव की थीं और इसलिए इन्होंने परिवार और समाज का विद्रोह करते हुए ना केवल अपनी शिक्षा को आगे रखा अपितु नौकरी भी की और अन्य सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी तरह से ना केवल इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपितु इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भी उस समय के समाज की जो ये मान्यताएं थीं, जो परंपराएं थीं, जो व्यक्ति को एक बेड़ियों की तरह नज़र आती थीं, उन पर गहरा और तीखा प्रहार करने का प्रयास किया है। इनकी रचनाओं के विषय में हम कह सकते हैं कि ये उस समय का एक सीधा आईना हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं बिना किसी लाग लपेट के। इन्होंने मुख्यतः सामाजिक और नारी प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। नारी प्रधान कहानियों में भी इनकी अधिकांशतर कहानी यदि हम विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो दो तीन विषय ही हैं जिस पर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। सामान्यतः इनका मूल स्वर स्त्री समस्याएं हैं। वे स्त्री को समाज, परिवार और यहाँ तक स्वयं अपने जीवन में भी एक स्पेस देना चाहती हैं जहाँ पर वो खुलकर अपनी आशाओं के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, यहाँ तक कि अपनी निराशा और अपने प्रेम संबंधों के बारे में भी खुलकर बातचीत कर सके। उन्होंने नारी की मुक्ति के संदर्भ में उसके शिक्षित होने पर भी बल दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि यदि नारी शिक्षित होगी और शिक्षा के साथ साथ यदि वो अर्थोपार्जन करने में भी समर्थ होगी तो वो किसी से दबेगी नहीं। यहाँ पर दबने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के सिर पर चढ़कर बोलने लगे। यहाँ दबने का अर्थ केवल ये है कि वो किसी के द्वारा किए गए अत्याचारों को सहन नहीं करेगी, उसका विरोध करेगी और अपने लिए आगे संघर्षों के माध्यम से ही वो अपने लिए आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। उनका मत था कि पुरुष द्वारा नारी पर जो भी अत्याचार किए जाते हैं उनके पीछे उनका परावलंब होना ही है और जब तक स्त्री अपने पति पर, अपने पिता पर या अपने पुत्र पर आश्रित रहेगी, चाहे वो मानसिक रूप से हो और चाहे वो आर्थिक रूप से हो, वो निरंतर कष्ट ही सहती रहेगी। गृह लक्ष्मी कहानी में उनकी कथानायिका उनके ही विचारों को व्यक्त करते हुए कहती है, कमाते हैं तो क्या इसी बल पर इतनी अकड़, क्या ये वह नहीं कमा सकती, लेकिन मुश्किल तो यही है कि स्त्री को ये पुरुष हमेशा गुलामी में ही रखना चाहते हैं। हमारा स्वतंत्र होकर रहना इन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता है। मित्रों, ये केवल आज की समस्या नहीं है कि पुरुष जो है वो अपनी स्त्री के ऊपर एकाधिकार रखने की कामना करता है। अगर हम बारीकी से देखें तो ये समस्या अनादिकाल से चली आ रही है कि पुरुष अपना अधिकार स्त्री पर समझता है और स्त्री उसको पति परमेश्वर समझकर पूजना अपना कर्तव्य मानती है। दोनों कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि वो जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, जब तक वो साथ मिलकर नहीं चलेंगे रथ सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकता।
इसी तरह सफल नारीत्व की जो नायिका है माला, वह पति के अत्याचारों का खुलकर विरोध करती है और स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने अस्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास करती है। उसका अपने घर की दलान को लांघकर बाहर निकलना शायद इस बात का सूचक है कि वह पराधीनता को, परंपराओं को, रूढ़ियों को और सड़ी गली मान्यताओं को चुनौती दे रही है और अपने लिए एक उन्मुक्त खुला आकाश चाहती है। इनकी हसीना कहानी में हसीना का पिता अब्दुल्ला जब गांव में फैल रहे मिथ्या जो विवाद हैं उनसे त्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो अपनी पुत्री को मारने लगता है तो उसकी पत्नी विरोध करती हैं और कहती हैं, क्यों मारा, क्यों मारा, लो अपना घर बार लेकर रहो, मेरी बेटी ऐसी मार खाकर कब तक रहेगी, बड़े कहीं के धन्ना सेठ हो तो खिलाओ ना घर पर बिठा कर, एक जून बिना साग के कौर नहीं उठता, बाग से लकड़ी ना लावे तो चूल्हे में आग ना जले, खेत ऐसे खेत नहीं, चार घर ना कमाऊं तो खाने को ना जुड़े, रहो लेकर अपनी अपाहिज महतारी को, चल तो हसीना मार खाकर नहीं रहना है, जहां हाथ पैर चलावेंगे रोटी की कमी नहीं। इतने वर्षों पहले सुमित्रा जी अपनी कहानियों के माध्यम से उस नारी को चित्रित कर रही हैं जिसके अंदर एक अपने अस्तित्व को लेकर कुरबुलाहट है, एक प्रश्न है और वो समाज से, परिवार से, अपने आप से ये कहना चाहती है कि वो भी स्त्री है, वो भी मनुष्य है, उसको भी जीने का अधिकार है और इसलिए वो अत्याचार नहीं सहेगी। ये चीज़ आज ही केवल नहीं है कि नारी प्रश्न कर रही है, वो एक अलग बात है कि आज कहीं ना कहीं उसके प्रश्नों को सुन लिया जाता है और उसकी अनुगूंज जो है वो कहीं ना कहीं हमें पहले भी सुनाई देती आ रही है। स्पष्ट है कि उनकी कहानियों की नायिकाओं के माध्यम से सुमित्रा जी ने एक साथ कई स्तरों पर चुनौतियाँ दी हैं, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर उन्होंने चुनौती दी है और उन्होंने ये माना है कि ये नायिकाएं चाहे अपने परिवेश में, अपने वातावरण में या अपनी स्थिति में कोई अंतर स्पष्ट रूप से ना ला पाएं, किंतु वो अपना विरोध अवश्य दर्ज करती हैं और यही उनकी सार्थकता है और यही शायद सुमित्रा जी ने जो उस समय अपनी कहानियों के माध्यम से साहसिक कदम उठाया था कि नारियों की उन्होंने स्थितियों के बारे में लिखा, यही अपने बारे में एक साहसिक कदम था और उनकी नारियां इस प्रकार का आचरण करती हैं ये भी उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए प्रेम एक भावना है और वो मानती हैं कि विवाह जो है वो एक संस्था है किंतु प्रेम व्यक्तिगत होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ आपका विवाह हुआ हो उस व्यक्ति विशेष से आपको उतना लगाव हो, उतना प्रेम हो और आप अपने आप को संपूर्ण महसूस करने लगें, किंतु जहाँ कहीं भी उन्होंने अपनी कहानियों में विवाहेतर प्रेम की बात भी कही है वहाँ पर उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वो प्रेम मैत्री का रूप हो सकता है, सखा भाव से प्रेम हो सकता है या उस प्रेम का और कोई भी अन्य रूप हो सकता है, किंतु एक स्त्री और पुरुष के मध्य होने वाला रागात्मक संबंध कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार का अमर्यादित या समाज से विमुख होकर जो चलने वाली बात है वो उनकी कहानियों में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती या हम कह सकते हैं कि सुमित्रा जी कहीं पर भी उसका समर्थन करती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। इनकी कहानी मैं नहीं जाऊंगी मैं अवश्य उनकी नायिका जो है कजरी वो उसके प्रेम के मध्य में देह आ जाती है किंतु वहाँ पर भी उन्होंने उसको एक आवरण देने की कोशिश की है और उन्होंने ये बताया कि वो इस प्रकार का विरोध जो है समाज में उस समय भी दिखाई देता था, आज भी दिखाई देता है, पर उसको दिखाने मात्र के लिए ही शायद सुमित्रा जी ने इस रचना को लिखा, अपितु उनका कहीं पर भी ये ध्येय नहीं था, लक्ष्य नहीं था कि वो इस तरह के प्रेम का समर्थन करती हैं। कथा की नायिका
चंदन से न केवल प्रेम करती है अपितु उसके बीजत्व को भी धारण करने का साहस दिखाती है और उसको अपने पति से जो महेंद्र है उसको कहीं पर भी प्रेम नहीं होता क्योंकि वो अपनी पत्नी को वो प्रेम वो आदर वो सम्मान नहीं देता और उसे अपनी पालित एक दासी समझता है और पशुवत उससे व्यवहार करता है और इस तरह की का व्यवहार उसको चंदन की तरफ आकृष्ट करता है। वो कहती है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का उफान मैं अनुभव नहीं करती जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ। प्रसव के उपरांत जब उसका पति उसको लेने आता है तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था को लगभग चुनौती देती हुई पत्नी उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तेरे साथ नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो उसी चंदन के साथ, नहीं तो कहीं डूब मरूंगी। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का मनोभाव व्यक्त करना उस समय की स्त्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत क्रांतिकारी कदम हम मान सकते हैं। कजरी पर दमन चक्र चलता है, पंचायत बिठाई जाती है और लगभग ये तय हो जाता है कि वो अगले दिन अपने पति के साथ दोबारा से अपनी ससुराल जाएगी। कजरी जानती है कि वो समाज से विद्रोह नहीं कर सकती, वो जानती है कि वो अपने प्रेम के लिए अकेली लड़ भी नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी स्वीकृति दे देती है। किंतु वो अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए अगले दिन सवेरा होते होते वो चंदन के साथ अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। तत्कालीन समाज में विवाहितर प्रेम को इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी निर्भीकता के साथ व्यक्त करना शायद सुमित्रा जी के अतिरिक्त किसी अन्य लेखिका ने नहीं किया है। इतना ही नहीं, किसी स्त्री के द्वारा इतना स्पष्ट विरोध भी इससे पहले हमें हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं देता। मेरी जान लुट गई कहानी की कथानायिका करुणा ये मानती है कि जरूरी नहीं है कि प्रेम करने के लिए स्पर्श का होना जरूरी है। उसका मानना है कि प्रेम हृदय का छिपा हुआ एक भाव होता है जो किसी के भी साहचर्य से, किसी की भी निकटता से उसकी अनुभूति की जा सकती है। उसका कहना है उसकी वाक्यहीन स्पर्शहीन निकटता भी पाप है। प्यार करने की जो चीज़ है उसे प्यार करने में अपराध कैसा। और यहाँ पर एक तरह से वो ये स्वीकार करती है कि जहाँ पर पति के अतिरिक्त प्रेम है वो कहीं पर भी अनुचित नहीं है क्योंकि प्रेम बंधा हुआ नहीं है, प्रेम को हम बांध कर नहीं रोक सकते, वो उन्मुक्त है, किंतु उसमें मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है और उसका हमें पालन करना चाहिए। इसी प्रकार हम उनकी अन्य कहानियों में भी अगर देखें तो उन्होंने हमेशा से मर्यादित प्रेम की हमें बात की है। समाज अपनी नियंत्रणकारी अवधारणा के कारण नारी को हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है। प्रेम के लिए भी उसके जो नियम हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही अलग अलग हैं। पुरुष अन्यत्र प्रेम करने के लिए, कितने ही लोगों से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु यदि स्त्री को स्वतंत्रता दी भी जाती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो परिवार के क्षेत्र में हो, सोच के क्षेत्र में हो, प्रेम के क्षेत्र में हो, तो उसको उतनी ही स्वतंत्रता दी जाती है जितनी रस्सी मानो उसके गले में बांधकर खूंटे से बांधने के बाद दे दी गई हो। यहाँ पर उसे समाज वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी नहीं देता जिसकी वो हकदार होती है। सामान्य रूप से समाज में पुरुष के कार्यों से उसे पहचान मिलती है, किंतु नारी की पहचान समाज में जो विभिन्न पुरुष वर्ग हैं और जो उनके कार्य हैं या जो उनकी चुनौतियां हैं या वो जो उनके संबंध है उससे नारी को अपनी पहचान मिलती है। जैसे कोई उसका पिता है तो वो उसकी पुत्री है, कोई उसका पति है तो वो उसकी पत्नी है, कोई उसका पुत्र है तो वो उसकी माता है, किंतु कहीं पर भी ये बात स्पष्ट रूप से रेखांकित हमें नहीं मिलती कि नारी स्वयं में एक मानवीय है, एक नारी है और उसके पास भी संवेदनाएं हैं, उसके पास भी इच्छाएं हैं और वो उस संवेदनाओं को, इच्छाओं को खुलकर जीना चाहती है।
हम देखते हैं कि वो समाज में एक घुटा हुआ जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। हमने देखा कि किस प्रकार से सुमित्रा जी ने अपनी सभी कहानियों में नारी को केंद्र में बनाकर उसकी इच्छाओं को, उसकी समस्याओं को, उसके प्रेम को और उसकी जो उन बंधनों को काटने की जो छटपटाहट है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगली बार हम उनकी और अन्य कहानियों को लेकर देखेंगे कि उन्होंने नारी को किस रूप में हमारे सामने रखा है, और स्पष्ट रूप से हम उनकी एक कहानी पर अधिक विस्तार से विवेचना करेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व की भूख। और इस पे हम चर्चा करते हुए देखेंगे कि पुरुष के समान ही नारी को भी अपनी पहचान की तलाश है, वो उसे निरंतर खोज रही है, और चाहे उस खोज में उसे कहीं समाज के उन नियमों की अवहेलना भी करनी पड़ती है जो उसको अमर्यादित घोषित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, विकासकालीन लेखिकाओं में हम सुमित्रा कुमारी सिन्हा के विषय में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। मित्रों, सुमित्रा जी ने अपनी रचनाओं में स्पष्ट रूप से जिन वर्ण विषयों के बारे में संकेत नहीं भी किया है, उनकी कथा नायिकाओं ने उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरी जान लुट गई कहानी की करुणा कहती है, मनुष्य मात्र में एक अतृप्त सुख की लालसा हमेशा रहती है। क्या यह संभव नहीं है कि जिसे जीवन में जो वस्तु एक साथी से ना मिल सके, वही अगर अन्य कहीं मिल पावे तो इसे चाहने पर संसार क्यों विद्रोह करने पर तुला दिखाई देता है। मित्रों, दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग मूल्यों से अपना जीवन जीते हैं, और ऐसा होते हुए ये बहुत स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उन्हें एक अतृप्ति, एक असंतुष्टि का अनुभव होता हो। किंतु क्योंकि विवाह एक सामाजिक संस्था है, इसलिए हमें उस अभावों के साथ ही, उस अतृप्ति के साथ ही जीना पड़ता है, और अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व में जब तक हम विलीन नहीं कर देंगे या जब तक हम उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा नहीं मानेंगे, तब तक दाम्पत्य को हम बहुत अच्छी तरह से सुख से अनुभव नहीं कर सकते, और ना ही वो जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। इसके साथ ही यदि मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहे तो ये भी संभव नहीं होता, क्योंकि अगर एक इच्छा हम पूरी कर लेते हैं तो दूसरी इच्छा जो है वो जन्म लेने लगती है, और इस इच्छा का व्रत कभी भी पूरा नहीं होता, हमें इसका ओर छोर दिखाई नहीं देता है। और ये रिक्तता, जितना हम इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, इस रिक्तता का अनुभव, इसका असंतोष हमारे अंदर और अधिक बढ़ता चला जाता है।
लेखिका ने अपनी कहानियों में स्त्री शोषण की बात की है, उसकी आकांक्षाओं की बात की है और उसकी स्वतंत्रता और समानता की बात की है। कथा नायिकाएं विभिन्न मनोवृत्तियों से ग्रसित हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो पति के द्वारा उपेक्षित हैं, उनके साथ प्रताड़ित व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रताड़ना दी जाती है और उनके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार उनके पति नहीं करते। ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपने आप को छलावा अनुभव करती हैं और वो अन्यत्र उस प्रेम की तलाश में चली जाती हैं और ये भटकाव की स्थिति कहीं कहीं उन्हें शुरू में ज़रूर सुख का अनुभव कराती है, किंतु अंत तक आते आते उन्हें लगता है कि जिसे वो अपना हृदय दे चुकी थी या जिसे वो समझती थी कि वो उनकी हृदयगत भावनाओं को समझ रहा है, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं छल रहा था। पर पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो भी हमें दो तरह से दिखाई देता है। विवाहित होने पर भी पति के द्वारा वांछित प्रेम ना पाने के कारण अन्यत्र आकृष्ट होना और बाद में छला जाना, और किंतु ये जो आकर्षण यहाँ पे है उसे हम अनुराग अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पे रागात्मक संबंध नहीं है, कहीं पर भी वासना जनित हमें संबंध ये दिखाई नहीं देता। नारी का सपना की निशा पति द्वारा उपेक्षित और प्रताड़ित होने पर आलोक नामक युवक के प्रति आकृष्ट होती है जो कवि है, और कवि होने के कारण उसे लगता है कि वो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता है, किंतु अंत में आकर उसे लगता है कि वो भी उसके प्रेम के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसकी भावनाओं को छल रहा था। सुमित्रा जी की कुछ नायिकाएं ऐसी भी हैं जो पति का पूरा प्रेम, सहयोग और सम्मान प्राप्त होने के बाद भी उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाती, भटकती रहती हैं और ये भटकाव उन्हें पति और परिवार से कहीं ना कहीं दूर लेकर खड़ा हो जाता है। उन्होंने इस तरह की नारियों की कहीं भी स्तुति नहीं की, समर्थन नहीं किया और उनकी स्थिति को दिखाते हुए उन्होंने यही बताया है कि इस प्रकार का आचरण ना केवल समाज की दृष्टि में अमर्यादित है अपितु नारी के लिए भी इस तरह का कार्य करना या इस तरह का व्यवहार करना अनुचित ही होगा। यहाँ पर हमें ये बात भी स्पष्ट करनी चाहिए कि नारी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण सुमित्रा जी ने अपनी कुछ रचनाओं में एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी किया है। उनका ये मानना है कि यदि अन्यत्र स्त्री प्रेम की खोज करती है तो उसके लिए पुरुष उत्तरदायी है, और क्योंकि वो उसको पूरा का पूरा अपना स्नेह, आदर, सम्मान नहीं दे पा रहा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, किंतु जहाँ कहीं पर प्रेम मिलने के बाद भी नारी में भटकाव की स्थिति हमें दिखाई देती है, वहाँ पर भी सुमित्रा जी उसको जिस तरह से ढकती हैं, जिस तरह से पर्दाफाश करती हैं उस स्थिति का, वो कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता है। सफल नारित्व, पत्थर की देवी, भावुक आदि कहानियों में पति की उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संतप्त होकर ही नारी अन्यत्र जाती है और अपने पति का खुलकर विरोध करती है। वो चुप रहकर पशुवत जीवन जीना नहीं चाहती, अपनी स्थिति का वो ब्यौरा देना चाहती है, अपनी स्थिति से लड़ना चाहती है और अपने लिए मार्ग निकालना चाहती है। शीला का पति कुशला मातृत्व में पति के दुर्व्यवहार के साथ साथ सुमित्रा जी ने ये भी बताया है कि कई बार निर्धनता और जो एक संयुक्त परिवार में नारी की स्थिति होती है वो भी उसको अन्यत्र प्रेम ढूंढने के लिए विवश कर देती है। वर्षगांठ कहानी में जनता पर अपनी परोपकारिता का झंडा गाड़ने वाले उस जमींदार को भी सुमित्रा जी ने अपनी कहानी में चित्रित किया है जो थोड़े से प्रेम को पाने के लिए बहुत सारा पैसा लुटा देता है, किंतु उसको प्रेम ऐसा नहीं मिलता और अंत में उसको हृदयघात हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
यहीं पे ही उन्होंने मुरली नामक कहानी में इस तथ्य को भी रेखांकित किया है कि धनाढ्य जो व्यक्ति है या धनाढ्य जो परिवार है वो इस बात को आत्मसात करने में अपने आप को असमर्थ पाता है कि जो व्यक्ति उनके यहाँ काम कर रहा है वो भी प्रेम कर सकता है। जैसे प्रेम करना मानो किसी वर्ग विशेष का ही अधिकार हो, निर्धनों के लिए प्रेम करना अनुचित है। मुरली में जो नायक है मुरली, वो प्रेम करता है किंतु उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसको नौकरी से निकाल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी प्रेमिका है गुलबिया, वो भी वेदनापूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हो जाती है। हसीना कहानी की हसीना सामाजिक जो विरोध हैं उनको जी नहीं पाती या उनके साथ खुलकर विरोध नहीं कर पाती है और सामाजिक कारणों से अपने प्रेमी सुल्तान से उसको अलग होना पड़ता है। लेखिका ने कुछ सीमित क्षेत्रों को लेकर ही, जिसमें विवाह है, विवाह के पश्चात का प्रेम है, नारी की स्थिति है या पुरुष का नारी के प्रति करने वाले जो विभिन्न अत्याचार हैं, उनके माध्यम से ही अपनी कहानियों का सृजन किया है। उन्होंने बहुत अधिक विस्तृत फलक को हमारे सामने नहीं रखा, किंतु अगर हम पूरी तरह से उनकी कहानियों का विश्लेषण करें तो हम इस तथ्य तक पहुँचेंगे कि वर्ण विषय कम होने पर भी उसके माध्यम से उन्होंने अपने पूरे समाज को अपने पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। यहाँ हम ये बता सकते हैं कि जो उनकी नायिकाएं हैं वो अनेक प्रश्नों से जूझ रही होती हैं कि यदि वो अपने पति का, अपने परिवार का विरोध करेंगी तो उस विरोध को समाज कैसे लेगा। अगर वो विरोध करके बाहर निकलती हैं तो क्या समाज में वो कहीं टिक पाएंगी, रह पाएंगी। यदि पति उसे छोड़ देगा तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगी, इत्यादि इत्यादि समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किया है। लेखिका प्रेम को एक सर्वव्यापी तथ्य, एक सर्वव्यापी भाव के रूप में हमारे सामने रखती हैं। वो किसी वर्ग विशेष की इसे थाती नहीं मानती हैं और उन्होंने ये माना कि महिला और पुरुष दोनों ही इसके लिए समान रूप से अधिकारी हैं। दोनों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो जिससे भी उनका स्नेह संबंध हो, चाहे मैत्री के संबंध का संबंध हो, चाहे सखा के रूप में हो, चाहे प्रेम के उस रूप में भी हो जिसे हम लौकिक प्रेम कहते हैं, तो भी वो स्वीकार्य होना चाहिए और समाज को उसे अपने आँखों पर लगाए हुए चश्मे के माध्यम से देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ केवल कुछ समय तक यदि हम साहचर्य का सुख प्राप्त करते हैं, हम उससे अपने मन की बात को शेयर करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम व्यभिचारी हो गए हैं या हमने कोई पाप कर दिया है। समाज इस तरह के संबंधों को केवल एक ही दृष्टि से देखता है और सुमित्रा जी के अनुसार वो दृष्टि कहीं ना कहीं ज़रूर गलत है। उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हमें दिखाई देती है। उनकी कहानियाँ कल्पना में कल्पना, करुणा, कोयला, शीला, ईला जैसी नायिकाएं हैं जो अपनी स्थिति का विरोध करती हैं, अपने प्रेम को स्वीकार करती हैं और उस प्रेम को स्वीकार करने के कारण उनके जीवन में जो भी परिणाम आते हैं, चाहे उनको पुरस्कार मिलता है, चाहे उन्हें दुत्कार मिलती है, वो उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे साहस के साथ स्वीकार करती हैं। तो उनकी कुछ कहानियों में हमें वैसी नायिका भी मिलती हैं जो ये जानती हैं कि उनके पति अपने प्रेम को अन्यत्र लुटा रहे हैं, किंतु फिर भी ये समझती रहती हैं कि उनके हृदय पर, अपने पति के हृदय पर उनका ही अधिकार है, वो उनकी रानी हैं और वो इस बात को नहीं मानती कि प्रेम जो है केवल एक व्यक्ति से बांटने से बढ़ जाता है और उस पर केवल हमारा ही अधिकार होना चाहिए। सुमित्रा जी के पुरुष पात्रों में पति और प्रेमी दोनों ही रूप हमें दिखाई देते हैं। पति जहाँ पर अपनी पत्नी के ऊपर एकाधिकार की बात करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको मानसिक रूप से कई बार दुख देता है, वहाँ पर प्रेमी भी उससे प्रेम तो करता है किंतु जहाँ कहीं भी नारी उससे कुछ मांगती है,
चाहे वो मांगना उसे मानसिक रूप में शांति देने के लिए हो, चाहे उसके साथ किसी विपरीत परिस्थिति में खड़े होने की स्थिति हो, वो अपना पल्ला झाड़कर एक तरफ खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि केवल मैं आर्थिक रूप से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अगर हम भाषा की दृष्टि से देखें तो उन्होंने बहुत सहज सरल भाषा में अपनी बातचीत की है, उस समय की स्थितियों को हमारे सामने व्यक्त किया है और इसीलिए उनकी कहानियाँ हमें पढ़ने में अधिक रोचक लगती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो स्थितियाँ, वो समस्याएं केवल उस समय विशेष की नहीं थीं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। हम आज भी उनको अपने आसपास घटित होता देख रहे हैं। उनकी एक कहानी है व्यक्तित्व की भूख, और इसमें उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से एक नारी जो है वो निरंतर अपने जीवन में अपनी पहचान खोजती रहती है और उसे अपनी पहचान कहीं पर भी आकर नहीं मिलती। कथानायिका ईला की मानसिक अस्थिरता उसे विक्षिप्ता अवस्था तक ले जाती है और वह एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा पुरुष के संपर्क में आकर उस प्रेम को तलाशती है जिसे वो अपने जीवन में कहीं पर भी नहीं देखती। उसका पहला प्रेमी संगीत है जो उसके युवावस्था का साथी है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि युवावस्था वह अवस्था होती है मनुष्य जीवन की जहाँ पे बहुत अधिक भावुकता होती है, बहुत अधिक संवेदनशीलता होती है और कई बार मनुष्य उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता। ईला के साथ भी यही होता है, वो संगीत के साथ अपने संबंध को एक ऊंचाइयों तक देखने लगती है किंतु बाद में उसको लगता है कि संगीत में वो संपूर्ण पुरुष उसको दिखाई नहीं देता जिसकी वो तलाश कर रही होती है। ऐसे में उसका जो विवाह है वो सुशील के साथ होता है किंतु यहाँ पर भी सुमित्रा कुमारी जी इस प्रश्न को भी हमारे सामने रखने से चूकती नहीं है कि क्या विवाह करना बहुत अधिक ज़रूरी है। ईला अपनी माँ से पूछती है कि क्या विवाह करना ज़रूरी है और इसके इस प्रश्न पर माँ आंखें ततेर कर क्रोधित भाव से उसे कहती है कि अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो क्या करोगी। जैसे स्त्री जीवन का लक्ष्य, उसका उद्देश्य मात्र केवल विवाह करना है, यदि वो विवाह नहीं करती तो उसका जीवन खंडित हो जाएगा, उसके जीवन में कुछ नहीं रहेगा, ना वो पढ़ सकती है, ना अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकती है। विवाह करना उसकी एकमात्र जीवन की इतिश्री समझा जाता है। सुशील जो उसका जीवन साथी है वो उसे प्रेम करता है, उसका आदर करता है, सम्मान करता है और यहाँ तक उसके ऊपर तत्कालीन समाज में जो पितृसत्तात्मक समाज में जो पुरुष का दृष्टिकोण था कि वो निरंतर अपनी पत्नी पर शंका करता है, उसके आने जाने के विषय में सोचता रहता है, देखता है, उसे हमेशा अपने साथ रखता है, इस प्रकार का भी कोई आचरण सुशील नहीं करता। किंतु इस प्रकार का पति पाने के बावजूद ईला की भटकाव की स्थिति में कोई विशेष अंतर हमें दिखाई नहीं देता है और वो इसके बाद मनोज और मृदुल नामक दो नायकों के साथ अपने प्रेम को तलाशने का हमें प्रयास करती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि मृदुल जो उसका प्रेमी है वो उसके भावगत जो प्रेम है, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको समझने में सक्षम है। मनोज वो व्यक्ति है जो सुशील का मित्र है, उनके घर आता जाता है और वो अपनी मित्रता को विश्वासघात करके वो ईला के साथ अपने प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुमित्रा जी ये बताती हैं कि चाहे शुरू में कोई भी संबंध मैत्री का रूप ले पर बाद में कई बार परिस्थिति के अनुसार वो प्रेम विकृत रूप भी ले लेता है और वो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होता। जिस समय सुशील को ये पता चलता है कि ईला केवल उसी से प्रेम नहीं करती है, वो कितना भी उदार मना क्यों ना हो वो इस संबंध को स्वीकार नहीं कर पाता और वो ईला से पूछता है कि मनोज उसके पास उसकी अनुपस्थिति में क्यों आता है। ईला जो अब तक मनोज के साथ केवल एक भावनात्मक संबंध को जी रही होती है, वो मनोज की
चिट्ठी को पाकर इस बात से अचंभित हो जाती है कि मनोज उससे और भी कुछ चाह रहा था और ये और कुछ देने में वो अपने आप को असमर्थ पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय की स्त्री अपने बारे में सोच तो रही थी, वो परंपराओं से विरोध भी कर रही थी, किंतु उसकी जो जड़ें हैं वो उन परंपराओं में जुड़ी हुई थीं। वो वहाँ से पूरी तरह से अलग भी नहीं हो पा रही थी और आगे अपने आप को आधुनिक समझना भी चाह रही थी। कथा में आगे आगे क्या होता है कि सुशील इस बात को समझने का प्रयास करता है कि ईला के इस आचरण के पीछे उसकी क्या मानसिकता थी, किंतु वो कोई भी प्रामाणिक तथ्य उसके सामने नहीं आते और वो ईला से अनुरोध करता है कि वो उसको छोड़कर चली जाए। और ऐसे में ईला कर्तव्य विमुख हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्या वो अपने परिवार की अपने घर की दहली को लांघकर अपने प्रेमी के पास चली जाए या प्रेमी के साथ अपने संबंधों को भूलकर अपने पति के पास रहे। पति उसके पास रहना नहीं चाहता, उसे लगता है कि इस प्रकार की दुष्चरित्र जो स्त्री है उसके साथ रहना उसके लिए संभव नहीं होगा और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आर्थिक सहायता अवश्य दे दूँगा। अपने पिता के पास जाती हैं और यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि उस समय के समाज में चाहे ईला के पिता इतने प्रगतिशील थे कि उन्होंने उस समय अपनी बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब वो अच्छे नंबरों से पास होती है, अखबार में उसका नाम आता है तो वो खुश भी होते हैं, किंतु एक वो अल्प आयु में उसका विवाह कर देते हैं और दूसरा विवाह करने के बाद वो अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं और उनका ये मानना होता है कि एक बार अगर नारी का विवाह हो जाता है तो उसकी अर्थी ही उसके पति के घर से वापस आती है। ईला जब अपने पति का घर चाहे कारण कोई भी हो छोड़कर उनके पास आती है तो वो उसे बहुत दिन तक अपने घर में शरण नहीं देते और उसे कहते हैं कि तुम वापस अपने पति के पास चली जाओ। ऐसी स्थिति में ईला को लगता है कि उसका अपना घर कौन सा है, उसे गलती हुई है, अपराध हुआ है, समाज की दृष्टि से उसने पाप भी किया है, किंतु ना पति का घर उसका है ना पिता का घर उसका है और ऊपर से मजबूरी यह है कि वो आर्थिक रूप से सबल भी नहीं है। पढ़ी लिखी थी इसलिए वो काम करती है और काम करने से पहले वो अपने दोनों प्रेमियों को पत्र लिखती है, अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराती है, उनसे सहायता लेती है। एक प्रेमी मनोज उसके पत्र का उत्तर ही नहीं देता, उसे लगता है कि प्रेम किया था कोई बात नहीं, किंतु उस प्रेम के परिणाम का जब दुष्परिणाम सामने आता है तो उस परिणाम को भोगने के लिए, उस सजा को भोगने के लिए स्त्री को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज ने प्रेम करने का अधिकार केवल पुरुष को दिया है। प्रेम दोनों ने किया किंतु सजा केवल नारी भुगते। एक जो उसका प्रेमी है मृदुल, वो उसके पत्र का उत्तर तो देता है किंतु उस उत्तर में अपनी असमर्थता को बार बार रेखांकित कर करके बताता है और उसे कहता है कि वो उसको आर्थिक सहायता ज़रूर देगा किंतु उसके बगल में आकर खड़े होना उसके लिए संभव नहीं है, वो समाज का विरोध नहीं कर सकता, समाज से लड़ नहीं सकता और ये लड़ाई उसको अपनी स्वयं ही लड़नी होगी। ईला को क्रोध आता है और उसे लगता है कि क्या पैसों के चंद टुकड़े उसके सामने फेंक कर ये उस प्रेम का अनादर नहीं कर रहे जो उनके मध्य था और वो उस सहायता को लेने से इनकार कर देती है और वो संपादक के रूप में कार्य करने लगती है। अपनी कलम के माध्यम से वो अपनी समस्या को, उस समय की नारी की समस्या को लिखती है और इस तरह से अपने जो उसके हृदय में जो उद्गार थे, जो अंगारे थे, उसको लेखनी के माध्यम से समाज के सामने लेकर आती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर ईला के द्वारा जो अपने पति के अतिरिक्त उसका मृदुल के साथ या मनोज के साथ जो उसका प्रेम संबंध था वो उचित था, किंतु यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि उचित या अनुचित का जो ये समर्थन है या निर्णय है वो कौन लेगा? क्या समाज लेगा, परिवार लेगा
या वो व्यक्ति विशेष लेगा जिसके साथ उस तरह की घटना घटी है या जो प्रेम कर रहा है। सुमित्रा जी ने अपनी कहानियों में सहृदय संवेदनशील पुरुषों की भी का अंकन किया है, जिसका उदाहरण हमारे सामने सुशील के रूप में आता है, किंतु उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा कि अगर सुशील जैसे व्यक्ति हैं तो समाज के अंदर मनोज और मृदुल जैसे पात्रों की भी कमी नहीं है, जो स्त्रियों की भावनाओं के साथ खेलना अपना परम सिद्ध अधिकार मानते हैं, अपना शौक मानते हैं, और जब समाज उस स्त्री को कटघरे में खड़ा कर देता है तो वो दूर बैठे एक दर्शक की तरह उसको निहारते रहते हैं और या आपस में उस प्रेम की चर्चा करके आनंदित होते रहते हैं। सुशील, मृदुल और मनोज, ये तीनों ही पात्र पितृ सत्तात्मक संस्था के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं, जहाँ पर पुरुष केंद्र में है और उस केंद्र में होने के कारण परिवार में हो, व्यक्ति के जीवन में हो या समाज में हो, नियम कायदे के को बनाने वाला, उसको निभाने वाला या दूसरों पर उसको घटित करने वाला वो पुरुष ही है। वो खुद चाहे उन नियमों का पालन करे या ना करे, वो स्त्री को, चाहे वो उसके जीवन में पत्नी के रूप में आई हो, माता के रूप में आई हो, आत्मजा के रूप में आई हो या प्रेमिका के रूप में ही क्यों ना आई हो, उसे उसका पालन करना वो अपनी एक अधिकार समझता है और चाहता है कि अगर वो स्त्री उसका विरोध करती है तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे, उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगी, जिसमें सावित्री जो है वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है और इस प्रकार से उसे जो कमी, जो अपूर्णता अपने पति में नज़र आती है वो उसे दूसरे पुरुषों में उस कमी से वो पूर्णता का अनुभव करने का प्रयास करती है। और अंत में मोहन राकेश भी ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हम सब में कोई ना कोई कमी होती है और हमें अपने और अपने अपना जो हमारा भविष्य है, और हमारा भविष्य क्या है, विवाह के उपरांत जो हमारा प्रेमी है, जो हमारा पति है या हमारी पत्नी है, ये पति और पत्नी मिलकर ही पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति उनके बीच में उस पूर्णता को लेकर नहीं आ सकता। लेखिका मैत्री संबंध को स्वीकार करते हुए भी समाज द्वारा जो घटित नियम हैं, समाज द्वारा जो मान्यताएं स्थापित की गई हैं, उनका पुरजोर समर्थन करती हैं और ये कहती हैं कि समाज उन्हीं नियमों, उन्हीं परंपराओं, उन्हीं मर्यादाओं के साथ चला है और हमें निश्चित रूप से उनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, हमने देखा कि 80 वर्ष पहले भी नारी अपनी मुक्ति के लिए, अपनी पहचान के लिए तड़प रही थी, छटपटा रही थी, विरोध कर रही थी और आज भी कर रही है। स्थितियां बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुई हैं, बहुत ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं आया है, किंतु ये ज़रूर है कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने जीवन में थोड़ा बहुत अंतर ला सकते हैं। पर यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि हमारी अपनी सीमा क्या है, हमारी अपनी मर्यादा कहाँ है, हम स्त्री होने का कहीं अनुचित कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, और इसी बात को सुमित्रा जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने रखा है। धन्यवाद मित्रों। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का। मित्रों, आज एक बार फिर से इनके माध्यम से हम एक महिला कहानीकार, महिला कथाकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर पाए। हमने सुमित्रा जी के बारे में चर्चा की और हमने जाना कि किस प्रकार के विशाल व्यक्तित्व की महिला थी, किस प्रकार का उन्होंने योगदान दिया। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है या फिर इस लेक्चर से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। जल्द इस लेक्चर को आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड किया जाएगा, उसके उपरांत आपकी जिज्ञासाएं आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।